हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं स्टेनो की नई वीडियो, जिससे आप अपना कोर्स आगे बढ़ा सके। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कुछ नए नियम, और जैसा कि मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप तैयारी कर रहे होंगे और उस तैयारी के साथ साथ आपका कोर्स भी आगे बढ़ रहा है। तो नई वीडियो और नए नियम को आप जरा थोड़ा ध्यान से समझना। दरअसल क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया था वो स का सर्कल पढ़ाया था कि स अगर आता है तो आप किस तरीके से उसे सर्कल द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने फिर उसे अपडेट किया था, स का सर्कल स्वयं में बढ़ गया था कि बड़ा सर्कल हो जाता है तो स्वयं को प्रदर्शित करता। इसी तरीके से अगर चाप बनती है तो स और तय को प्रदर्शित करती है, और चाप भी अगर बड़ी हो जाती है तो स तय रे को एक साथ प्रदर्शित करती है। अच्छा, तो इसी तरीके से आज मैं एक नया नियम लेकर आया हूँ। आज मैं आपको हुक पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, जो मैंने आपको पहली वीडियो में स्टार्टिंग में आपको व्यंजन पढ़ाए थे कि व्यंजन हमारे सिंपल तरीके से लगते हैं, आज मैं आपको उन्हीं व्यंजनों को थोड़ा सा और अपडेट करके आपको बताऊंगा कि अगर उनमें हम हुक लगा देते हैं तो हुक लगाने से क्या फायदा होता है और किस व्यंजन को वो प्रदर्शित करता है। देखिए, जो हमारे हुक लगते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आज हम हुक लगाना बताएंगे, लास्ट के पॉइंट पर भी, व्यंजन के लास्ट के पॉइंट पर भी हुक लगते हैं, मगर वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अगर एक साथ बताऊंगा तो शायद आपको समझ में ना आए। तो हमारे जो हुक प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं रे और ले को। देखिए, सिंपल अगर मैं बात करूं तो हमारा एक, जैसे ये पे ग्रुप है, ये हमारा तय ग्रुप है, ये हमारा चे ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा के ग्रुप है, ये हमारा टै ग्रुप है, ये हमारा सह ग्रुप है, ये हमारा लेग रे ग्रुप और लेग ग्रुप है। इस तरीके से हमारे व्यंजन बनाए जाते हैं। तो इनमें हमें हुक लगाने और उससे क्या फायदा होगा, देखिए, या पहले समझ लीजिए कि किस तरीके से हुक लगते हैं। एक हम सीधे आउटलाइन लेते हैं तो ये हमारा बन रहा है तय। क्या है? तय। हमें अपना जो राइट देखना है वो हमारा राइट है, वो इसका राइट है, जो हमारा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है, जो हमारा राइट है वो इसका राइट है। तो हमारा जो ये साइड है ये लेफ्ट साइड हो गई, ये हमारी साइड हो गई राइट साइड। अगर हम किसी भी व्यंजन की, जैसे मान लीजिए ये हमारा तय है, अगर हम इसमें लेफ्ट साइड जो हुक लगाएंगे ये आपका देगा रे का साउंड। किसका देगा? रे का साउंड। और अगर हम इसे राइट साइड जो हुक लगाएंगे वो हमारा देगा ले का साउंड। क्लियर है? इतना समझ लीजिए, मतलब कि हर व्यंजन के अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पर लेफ्ट साइड लगा देते हैं हुक तो वो देता है रे का साउंड, राइट साइड हुक लगा देते हैं वो देता है ले का साउंड। किस तरीके से? अच्छा, जैसे मान लीजिए ये पे है, तो हमने ये लेफ्ट साइड जो हुक लगाया ये हमारा हो गया रे, ये अगर हम इसमें राइट साइड हुक लगा देते हैं तो ये हमारा हो जाता ले। इसी तरीके से चे में हम लेफ्ट साइड लगाते हैं, ये हमारा लेफ्ट है तो ये हमारा हो गया रे, ये हमारा अगर हम राइट साइड लगाते हैं तो होता है ये ले। आड़े अक्षर जो हमारे होते हैं, जैसे मान लीजिए के ग्रुप है तो नीचे साइड जो हुक लगता है वो लगता है रे का, ऊपर साइड जो हुक लगता है वो लगता है ले का। क्लियर है? जैसे अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये जो बाकी व्यंजन है ये तो सीधे सीधे इसमें लेफ्ट और राइट चल चुका है, तो आप बाकी जो अर्धवृत्त हैं, इस तरीके से जो व्यंजन बनाए गए हैं जो कर्व में, उन्हें कैसे आप हुक लगाएंगे? देखिए, उसमें भी सिंपल है, मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा है टे, अगर हम इसे हम इस तरीके से टे बनाएंगे तो ना तो ये टे बन पाएगा ना इसे समझ में आएगा, तो हमें इसमें कैसे हुक लगाना है? इसमें टे के साथ बारीकी से जो हुक लगाएंगे तो ये देगा रे का साउंड, अगर इस हुक का साइज बड़ा कर देंगे तो ये देगा ले का साउंड। इसी तरीके से ये हमारा फे होता है, तो अगर हम फे में छोटा सा बारीकी के साथ लगाएंगे तो ये देगा हमारा रे का साउंड, और इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे तो ये देगा हमारा ले का साउंड। इसी तरीके से ये से होता है हमारा, तो से में बारीकी से लगाते हैं तो ये रे का देगा, और हुक को बड़ा कर देंगे तो ये देगा ले का साउंड। इस तरीके से जो कर्व रेखाएं होती हैं उनमें हम हुक लगाते हैं। जैसे एक और मैं बताता हूं, जैसे हमारा, एक सेकेंड थोड़ा इसे मिटा लेता हूं, ये होता है हमारा जैसे न, तो न में हम बारीकी से लगाते हैं तो ये देता है रे का साउंड, इस हुक को बड़ा कर देंगे तो ये देगा ले का साउंड। ऐसे हमारा होता है ये मैं, मैं में हम बारीकी से लगाएंगे तो ये देगा रे का साउंड, और इसका हुक का बड़ा कर देंगे तो ये देगा
ले का साउंड। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि कर्व रेखाओं में किस तरीके से हुक लगाए जाते हैं। अब सिंपल फंडा, मैंने हुक लगाना बताया कि हुक बारीकी से लगाते हैं तो रे का, बड़ा कर देते हैं तो ले का, और सीधी रेखाओं में लेफ्ट साइड जो हुक लगता है वो रे का देता है और राइट साइड जो हुक लगता है वो ले का साउंड देता है। अब मैं नियम क्या होता है, देखिए जब भी हम हुक लगाते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड लगाए, चाहे राइट साइड लगाए, चाहे छोटा हुक लगाए, चाहे बड़ा हुक लगाए, हमेशा पहले उसकी आउटलाइन मतलब व्यंजन पढ़ना है और फिर उसके बाद उसका हुक पढ़ना है। मतलब अगर हम इसे पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले क्या चीज पढ़ जाएगी, ये वाली आउटलाइन लगाई जाएगी जिसमें हुक लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या पढ़ी जाएगी, वो वाली आउटलाइन जिसमें हुक लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गया पे, और इसके बाद इसमें हुक कौन सा लग रहा है, रे का। इसी तरीके से अगर ले का लगा होता तो इसे पढ़ेंगे कैसे, तो इस तरीके से आते हैं तो पहले पढ़ा जाएगा पे और फिर पढ़ा जाएगा ले। क्लियर है, तो इस तरीके से पढ़ना है। अगर जैसे ने में बारीकी से लगा हुआ है तो सबसे पहले क्या पढ़ा है, ने, और फिर ये बारीकी से लगा है तो रे। अगर ये हुक बड़ा होता तो ये क्या होता, पहले पढ़ा जाता ने और फिर ले। इस तरीके से ये व्यंजन मतलब ये वाली आउटलाइन पढ़ी जाती है। सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है कि व्यंजन जो जिस आउटलाइन पे हुक लगा है उस आउटलाइन को पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद हुक को पढ़ा जाता है, फिर वो चाहे रे का हो चाहे ले का हो। यही नियम हमेशा आगे भी काम आएगा। तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि पढ़ेंगे कैसे और हुक किस तरीके से लगाना है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर आउटलाइन में किस हर व्यंजन में हुक किस तरीके से यूज करने हैं। और पढ़े कैसे जाएंगे, पहले पढ़ने हमें आउटलाइन और उसके बाद उसका हुक पढ़ना है। अब मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हो गया, ये पर हमें लिखना है, तो पर कैसे लिख दिया आपने, हुक लगाया और ये पर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे हमें एक हम इसे क्या मानते हैं, एक व्यंजन मान लेते हैं खुद में। अब इसकी क्योंकि मात्राएं भी लगानी है आपको, तो इसलिए मैं आपको मात्राओं को नियम पढ़ा रहा हूं। तो मात्राएं, अब हमें क्या है, इसे हमें एक व्यंजन मान लिया। पहले हमारा नियम क्या था, जो मैंने जब स्वर चिन्ह पढ़ाए थे उसमें एक नियम था कि अगर व्यंजन से पहले स्वर सुनाई देता है तो लेफ्ट साइड स्वर चिन्ह लगा दीजिए, अगर व्यंजन के बाद स्वर सुनाई देता है तो राइट साइड लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए इसे अभी हम साइड में रखते हैं, एक हमारा नियम था आप, एक था पा, ठीक है। हम क्या करते थे, पे हमारा ऐसे बनता था, पे वैसे बनता था। इसमें हमें स्वर पहले सुनाई देता तो हम लेफ्ट साइड लगा देते थे, इसमें हमें बाद में सुनाई देता था तो राइट साइड लगा देते थे। क्लियर, इसी तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि अब हमें क्या लिखा है, हमने ये आउटलाइन बनी है पर तो बना दिया, ठीक है। ये हमारी एक खुद की आउटलाइन होगी। अगर मान लीजिए ये होता आपर और एक होता परा, तो यहां पर क्या, ये खुद एक मान लीजिए व्यंजन है, तो उससे पहले अगर हमें स्वर सुनाई दे रहा है तो हमें किस साइड लगाना है, लेफ्ट साइड, ये हो गया। और एक इसमें हमें क्या सुनाई दे रहा है, बाद में सुनाई दे रहा, तो ये हो गया परा। क्लियर, तो अब हमें क्या है कि इसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम चलेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, बिंदी, तो हमारा ये हो गया आ, ठीक है। अब हम मैंने बताया कि जब भी हुक लगा होगा तो सबसे पहले पढ़ना है व्यंजन, तो ये हमारा प हो गया, ये हमारा रे का हुक है। क्लियर, तो ये बन गया आ पर। दोबारा इसमें चलते हैं, इसे मिटा लेते हैं, इधर से चलेंगे। तो सबसे पहले जब हम इधर से चलेंगे तो सबसे पहले हमारा जब हुक वाली वो लगती है, हुक वाले आउटलाइन बनी हो, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन को। तो ये हमारा हो गया प, और ये हुक जो लगा हुआ है लेफ्ट साइड है तो ये लगा है रे का। तो इसके बाद हम इसमें देखेंगे मात्रा कौन सी लगी है, ये डार्क डॉट है, फर्स्ट प्लेस पर है, राइट साइड लगाया तो जेड से है, तो बाद में लगी है मात्रा तो परा। क्लियर, ऐसे ही एक और वर्ड मैं मान लेता हूं, जैसे वर्ड है ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं मानता हूं, एक वर्ड है हमें लिखना है तल, क्या है तल, तो ते के बाद ले आ रहा है तो हमें क्या करना है, तेल है तल। क्लियर, राइट साइड का हुक यूज कर ले। अगर ये मान लीजिए होता एतल, सॉरी एतल, और एक होता तले, ठीक है। तो हमें आ रहा ये आ रहा है एतल, तो हमें ये देखिए तल से पहले मात्रा आ रही है, सेकंड प्लेस की है, तो हमें क्या करना है, इस साइड लगा दिया एतल, ठीक है। तले आ रहा है तो तले तले, और इधर आ गई मात्रा। क्लियर, ते लेके बाद लग गई। इसे दोबारा से ट्रांसलेट करते हैं, इधर से चलते हैं, तो हमारी ये सेकंड प्लेस की मात्रा हमें पता है छोटे ए की मात्रा है, तो ए बन गया, ठीक है।
फिर हमें क्या पढ़ना है, व्यंजन पढ़ना है। हुक वाली आउटलाइन बनी है, तो हुक वाली आउटलाइन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले व्यंजन पढ़ो, तो ते बन गया, ये ले बन गया, क्लियर। तो ये बन गया एतल। अगर इसमें करेंगे तो सबसे, अब जब व्यंजन वो फिर से मैं बता रहा हूँ कि आउटलाइन आ रही है, तो सबसे पहले पढ़ा जाए ते, ले और ए की मात्रा तले, क्लियर। इस तरीके से करना है, खुद में एक व्यंजन मानो, अगर पहले मात्रा आ रही है वो किसी भी हुक वाली के साथ तो लेफ्ट साइड लगाओ, बाद में आ रही है तो राइट साइड लगाओ। अच्छा क्या हो कि अगर अगर ये मान लीजिए ये पैर पर की जगह परा और पार होता, मतलब कि इन दोनों के बीच में मात्रा आ जाए, तो पूरा बना लो, कोई और नियम यूज कर लो, मैंने आपको बहुत सारे नियम बताए हैं, तो इसमें क्या करते हैं पूरा बना लेते हैं पार, क्लियर। सिंपल फंडा है कि दोनों व्यंजनों को खुद जोड़कर एक व्यंजन पढ़ो, और मात्रा लगाने का ये नियम है कि पहले मात्रा आती है तो लेफ्ट साइड लगा दो, इन दोनों से पहले मात्रा आ रही है तो लेफ्ट साइड, बाद में आ रही है तो राइट साइड, और बीच में आ रही है इनके मात्रा तो पूरी आउटलाइन बना लो। इस तरीके से हम हुक का यूज करते हैं। ये हमें, मैंने आपको आज इसमें बताया कि हुक किस तरीके से हर आउटलाइन में लगता है, उसे आपको प्रैक्टिस करनी है, हर आउटलाइन में हुक का यूज करना है, ले का और रे का किस तरीके से लगाना है, और किस तरीके से उसमें अगर मात्राएं आती। अब मैं आपको शब्द बनाना सिखाता हूं।